चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ये इसके लगा हुआ था ताला, और ये पूरा जो है ना, ये देखो पूरा पूरा मुड़ा हुआ है। अब ये लग भी नहीं सकता, ये सारा का सारा तोड़ दिया, ये पूरा का पूरा इससे टूट कर ये बाहर निकल गया। तभी जा करके ये पूरा जो है सारा का सारा लात मार के इसे जो है ना अंदर तोड़ दिया। हमने बताया बहुत पहले, इसमें कोई नहीं है, ये तो बंद है काफ़ी दिनों से, इसके इसकी क्या ज़रूरत है आपको। लेकिन उन्होंने तो सब तोड़ फोड़ ये सारे में कुछ जो है ना हंगामा मचा रखा था, ये सारा तोड़ दिया था। यहाँ पड़ा हुआ था इस तरह लात मार के, ऊपर से भी तोड़, ऊपर से भी चूल्हे तोड़ करके, यानी जो चीज़ भी सामने आई बस उसको तोड़ना फोड़ना एक ऐसा चल रहा था। अम्मा जी, जब आपके घर से लोगों को पुलिस ले गई तो बीच उसके बाद भी पुलिस आई है घर पे? पुलिस आई 10 दिन। 10 दिन? हाँ। तो क्या कुछ कहकर जाते थे? क्या कहकर जाते थे, बस एक ही वो डरावे थे, भागे तोड़े थे, ऊँगे भी चढ़े थे, ऊँगे भी चढ़े थे, कभी चिवाड़ों में मार दिया, कभी चूल्हे में मार दिया, कभी बालक परेशान मारी, एक लोग वो तो बिल्कुल मर मर के बची भाई, वो और क्या गवाह है। बहुत दिक्कत हुई हमें तो, कोई ऐसा भी ना जो कोई पानी पिया दे, चाहे बेचारों को दवाई दिवा लावे, हमें तो इतनी दिक्कत हुई। कहीं से कोई मदद मिली? नहीं मिली भाई, हमें नहीं मिले। मारे हमने तो अपने रिश्तेदार भी नहीं, जब यहाँ रोज की पुलिस आवे थे, हमने अपनी लोंडी लारी रिश्तेदार सब रोक दिए थे, मगर मारे ना आई कोई भी, यहाँ तो पुलिस आवे, हमने डरिया हो ना किसी को नहीं खाया कुछ भी, अब भाई यहाँ आ जाओ हमारे लिए यूँ कुछ हो रहा। अब जब वे बुरे हाल से आवे थे यहाँ, पकड़ धकड़ ही करें थे, जब भी आवे थे सब डरे थे हमारे, तो छोटे छोटे बच्चे भी। जी मौली साहब, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? दरअसल बात यह है कि हम रात में सोए हुए थे, और तकरीबन 19 तारीख की रात की बात है, रात के 1:30 बजे हुआ था, तो पुलिस आई और हमारे घर की छतों पे को ऊपर को कूद करके अंदर दाखिल हो गए, और उन्होंने हर घर से उठाना शुरू किया। मेरे वाले साहब जैसे बाहर निकले, भाई क्या है, तो मेरे वाले साहब को पकड़ लिया, और फिर हर घर में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और घर का दरवाज़ा खुलवाया और हमें वहाँ से पकड़ लिया। चलो, एक बीमार भाई है मेरा मोहम्मद उमर के नाम से, उसको निकाला, उसने कहा भाई क्या बात है, बस इतनी नॉर्मल सी बात वो पूछ रहा था, जी क्या बात है, उसको मारना शुरू कर दिया। कसूर सिर्फ इतना है कि इस वक्त में पूरे मुल्क में चूँकि NRC का मुद्दा उठा हुआ था और CA का ये मुद्दा उठा हुआ था, और सिर्फ हम ये चाहते थे कि हमारे भी प्रदर्शन था 19 तारीख में शामली में, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का मैं ज़िला सदर हूँ, वो हमारा प्रदर्शन होना था, तो उसमें बाकायदा वो 19 तारीख में हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सब ने बहुत ही शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन किया है वहाँ ईदगाह में, मदरसे में, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद वहाँ से भी कुछ हमारे साथी जो है अरेस्ट किए गए हैं, तो ये हमारे साथ में इतना बड़ा मतलब एक हंगामा रचाया गया। उसके बाद हमें उठाया गया रात के 1:30 बजे घर से, और हमें शामली अड्डे दुकान बंद करवाते हुए, यानी उकसा उकसा के दुकान बंद करवा रहे थे, ऐसा हमें शामली दिखाया, यहाँ कैराने दिखाया गया है। तो आपके साथ हुआ था कुछ, पुलिस वालों ने कैसा वो किया था उस वक्त जो है? ये बाहर आ गए सारे, कहने लगे चलो, तो हम सारे के सारे चल दिए जी, जा गए गाड़ी में बैठने लग गए, तो उसमें जैसा कि हम बैठे हैं, तो मैं जैसा अंदर झुकन लग रहा था उस टाइम, तो पीछे से एक ने मेरे से धक्का दिया, मेरा मुंह बच गया आगे लगने से, इसने मतलब यू आगे बैठा था, इसने मैं वो थाम लिया मैं, और वहाँ जाकर रास्ते में जैसा भी उन्होंने हमारे साथ में मतलब गाड़ी गलौज देते गए,
ये कहते गए तुमने हम बनाओगे पैगंबर, और जो है तुम जो है नए नेता उठे हो यहाँ से, इसमें जो नेता थे वे सब जो है बैठ चुके हैं, हमारे सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, और तुम जो है अब जो है बहुत बड़े मंत्री बनोगे। मैं अपनी बैठक में पढ़ा हुआ था जी, एक मैं था, एक मेरा लड़का था, एक मेरा भाई था, पुलिस आई अरवा मुझे हमारी बैठक मुझे तो सारा ठाक चल दी। तो कुछ बोला पुलिस वालों ने जब आपको अरेस्ट करने है, कुछ? हाँ उन्होंने बोला कि ना ऐसी धारा 144 लगी हुई है, और मैं तारते सिखामा धारा 144 के हो, और जेल जाना पड़ेगा। कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा? 14 दिन रखा जी। तो धारा कौन कौन सी थी आप पे? 51। खर्च कितना आया, ये भी हुआ होगा, वकील भी किया होगा? हाँ जी वकील भी करा जी, 5000 रुपये खर्चा यहाँ से, 5000 वहाँ से, 5 नीले पैसे वहाँ से जेल में लगे जी। जी मैं जेल में था, फिर हमारे घर भी पुलिस आई, नहीं देख तेरे लड़के ने भी, तेरे लड़के ने भी पजामा वही सी। तो पुलिस वालों ने आरोप क्या लगाया था आप पे? आरोप यही लगाया था कि तुम जो है ना शांति भंग करना चाहते हो, तुम्हारे खिलाफ ये है कि तुम शांति भंग में तुमने वो कंप्लेंट बांटे हैं, और तुम जो है ना कहराने में वो उन्होंने अपनी तरफ से लगाया है कि तुम दुकान बंद कर, वो तो बाद में दिया उन्होंने स्टेटमेंट जो अखबार में दिया कि लोग जो है दुकानें बंद करवा रहे थे, ये करवा रहे थे 19 तारीख में, जबकि रात में 19 तारीख में 1 बजे 1:30 बजे में उठा लिया गया था। और रस्ते में जो चालान थे हमारे कांधले जाके चालान गाड़ी में चालान भरे गए, हम जेल के अंदर थे तो वहाँ देखा गया कि लोगों पर लठ बरसाए गए, और एक एक बार कई कई बार पुलिस ने लठ मारे बच्चों के, जो स्टूडेंट थे उनके हाथ पांव तोड़ तोड़ के भेज रहे थे वो लोग मुजफ्फरनगर से। कम से कम 100-125 लोग ऐसे वहाँ पर पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर से, जो NRCCA के उसमें उठाए गए थे। घर में दिक्कतें इतनी हुई हैं कि जो हमारे यहाँ पशु हैं वो मुसलसल 4-4, 5-5 दिन भूखे खड़े रहे, कोई घर में उनके लिए चारा डालने के लिए नहीं था, कोई पानी पिलाने के लिए नहीं था, और गांव में ऐसा माहौल था कि जो हमारे घर पे आता था उसको पुलिस पकड़ती थी और कहती थी अगर यहाँ पे कोई नज़र आया ना उसको उठा लिया जाएगा। तो हमारा गाँव का भी कोई आदमी हमारे नज़दीक आने से डर रहा था, कोई हमारे घर में जो बच्चे थे उनके हालात पूछने के लिए भी कोई गाँव से नहीं आया।